सोफिया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लिविव, और ये आज हमको दिखाएगी लिविव शहर। मैं जब भी मिला इनसे, मैं इनसे परसों मिला था काउच सर्फिंग हैंगआउट से, और मिलने के बाद बोले जाते कि टाउन हॉल लीगल एज ऑफ मैरिज। Wow. Or if she pregnant. That's what I said. 50% locals, 50% and tourists. And usually come here with wine or any other alcohol. We should have got something. It's university. It's cheaper, much more cheaper than Pazadahata, but most of the time. स्वागत है लिविव में। आज सैटरडे और दो दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकला हुआ है। कल बादल धूप, अभी सितंबर शुरू होने वाला है और सितंबर मतलब विंटर का फीलिंग आ जाता है यहाँ पे, और यूरोप में अक्टूबर नवंबर तक तो पूरा विंटर, नवंबर में तो बर्फ़ गिरती रहती है। लिविव है वो शहर जो कि यूक्रेन के एकदम वेस्ट में है, पोलानिया से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, और इसे कहा जाता है द मोस्ट यूरोपियन सिटी ऑफ द ईस्ट। और सच में मैंने तो कई सारे यूरोप के देश घूम चुका हूँ, और यहाँ पे आके लग रहा है कि ये ब्रसेल्स है या फिर नीदरलैंड है या फिर कई सारे यूरोपियन सिटीज़ की याद दिला रहा है। बहुत खूबसूरत यहाँ का ओल्ड टाउन है। ये एक स्टैचू है जिसके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता, बट सैटरडे सब एंजॉय कर रहे हैं। और जो मेन ओल्ड टाउन है बहुत ही छोटा है, तो हम लोग इस वीडियो में वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए यूरोपियन वाइब। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? किंग डेनियल। हु इज किंग? हु इज किंग डेनियल? ही इज ओनर ऑफ द सिटी। ओनर? यस, एंड ही नेम्ड इट, आई मीन ही क्रिएटेड द सिटी एंड नेम्ड इट आफ्टर हिज सन, व्हाट मींस लाइक लायन। तो ये है किंग डेनिस्की का स्टैचू। और लिविव में किसी को भी मिलना होता है तो सब बोलते हैं कि घोड़े के पास आओ, घोड़े के पास आओ मतलब इसके पास आओ, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है ओल्ड टाउन, और यहीं से हम लोग चलते चलते जाएंगे। ये है सोफिया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लिविव, और ये आज हमको दिखाएगी लिविव शहर। तो चलो, हाउ डू से दवा इज इन रशियन, हाउ डू यू से इन यूक्रेनियन? चलो, दिस वर्ड इज सेम। So it can mean like let's go, or even goodbye. You can say like dawai. Really? I think dawai is generally let's go, let's go. No, but sometimes when we say goodbye, we can also say. You say like, you say papa. Yeah, but it can be also like dawai. Oh, then paidom is like to go as well. Yes, like let's go. But in Ukrainian, it's more like hodimo. Hodimo. Yes. Hodimo. So it's like wall of old city. This is the wall of old city, like the old town wall. Was it was Lviv a castle? Castle was up there. Like up there. When you see television tower, So castle was there. And this is the old wall, but you cannot go. It's some construction going on there. So since how many years do you have tram in Lviv? Before I was born. Okay. So. 25-30 साल के पहले से यहाँ पे ट्रैम चल रहा है। और सैटरडे है आज, हम लोग देख रहे हैं लिविव। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? सो दिस इज द फेमस पोर्क रिब रेस्टोरेंट। यस, बट नाउ दे हैव इट इन ऑल यूक्रेनियन सिटीज, बट ओरिजिनली इट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस वन फर्स्ट। इट्स लाइक अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, लाइक रशियन। यस, बट नो, इट्स लिविव चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, सो फर्स्ट वन वाज हियर इन लिविव। ओके, एंड नाउ दे हैव आल्सो इन केरी वन ऑफ दैट। एंड व्हाट इज द नेम? रबारनी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली बाय द वॉल। Pork ribs. It's affordable, expensive. It's okay. $140 per person, but like on weekends it's always big line. What? Oh. I don't find it expensive. In other restaurants, it will be not less price. It's a line for eating? Yes. Is it a church? It's like tower from this church. Yes. We can go. We can go to the tower as well? No, up to the tower, I don't think so. There are no like viewpoints. The best viewpoint is like in the city. Yeah. I want to go there during the sunset. It's how much is the ticket? 40, 50? 50 grivnas? It's okay.
Is it like a flea market? Yes, they sell in couple of times. Ah, it happens every day or just on the weekend? Every day. Every day. Does it have a name? That's like book market. Book market. But all in Ukrainian and Russian. This person looks like an important person. Yes, he brought like printing of books to Ukraine. Okay. So he's an important person. So ये जो आदमी है ये लोग इन्हें books print करना शुरू किया था यूक्रेन में. तो वो मेन ओल्ड टाउन है. हम लोग ओल्ड टाउन बाद में देखेंगे. अभी हम लोग जा रहे हैं हाई कैसल की तरफ और वहाँ से विंग पॉइंट बनेगा. और यहाँ पे इज द वाटर गुड? Yes, drinking water. Like yeah. So. Wow. It's place of memory for soldiers who died in 2014. Of that 2014, yeah. Ukraine and Russia. So actually, it's like new place. It was opened. Yeah. Like in summer 2017. तो जैसा कि मैंने लिविव में ही बोला था कि 2014 में रशिया और यूक्रेन का पंगा हो गया था, तो उसी के मेमोरी पे यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है. और उतना ऊंचा नहीं है बट अच्छा व्यू आ जाता है. इफ द वेदर इज वेरी क्लीन इट वुड बी सो नाइस टू सी द सन गोइंग डाउन इन द सिटी. इट्स नाइस सनसेट हियर एंड इवन लाइटर इफ यू कम टू सनसेट मेबी इट स्टिल विल बी इफ देयर इज नो क्लाउड्स. वाओ दिस इज गुड एक्चुअली. यार ये सुंदर है. अगर थोड़े पेड़ कम होते तो और भी अच्छा होता. बट इफ देयर वाज लेस ट्रीज मोस्ट ऑफ कंटेंटफुल इज द बेस्ट व्यू बिकॉज़ यू कैन सी लाइक एवरीवेयर. या इट्स इट इज सेंटर एंड लाइक रेडुक्स स्क्वायर. हां इट सीम्स लाइक एंड यू सी पीपल लाइक एंट्स. यस या आई विल गो देयर एज़ वेल. मैं जब भी मिला इनसे, मैं इनसे परसों मिला था काउच सर्फिंग हैंगआउट से. और मिलने के बाद बोले जाते कि टाउन हॉल टाउन हॉल टाउन हॉल टाउन हॉल, यू हैव टू गो देयर यू हैव टू गो देयर. सो आई विल गो देयर. दैट्स आई थिंक हर फेवरेट प्लेस. बट नाउ वी आर गोइंग. तो भाई शहर से हम लोग आ गए और अभी हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं हाई कैसल. आप चाहो तो देयर इज नो कैसल एनीमोर. हु ब्रोक इट? नाजी और रशियंस? I'm not sure, maybe it was just got ruined. It got ruined, so it's old. So it's a high castle but no castle. You can drive only little here. Well, how many steps is it? I didn't count, you can try. No. Let's just enjoy that. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Almost after every party that goes till morning, people come to meet sunrise here. And especially on graduations from school, after parties they come always for sunset. To this high castle. Well, it is not a castle. Yes. Imagine being drunk and walking and this in snow. And yeah, but you can come part with car. Okay. So usually celebration. So you're saying you can drive drunk? No, usually parents drive because in school you can't drive. Oh. You can have only driving license from 18. 18, same in India. And what is the legal age of marriage? Also 18, but actually a girl can get married earlier. Earlier? If parents allow. Wow. Or if she's pregnant. Oh. But earlier, as in how earlier? 14? No. No, I think 16. 16. But maybe it changed how I learned in school. Yeah. But it could change. Okay. And drinking age? 18. Okay, not 16? No, 18. When did you start drinking? When did I start? It is a difficult question. 15? No, because it's not regular. It's not something I do like really regular. Yeah, but maybe you remember the first time. I don't know, maybe 13. Oh, 13 mein to hum log doodh peete the. Bonvita ke saath. But it was more like energy drinks. Okay, like Red Bull? Yes. Okay. So I think I tried Red Bull like being 13. अभी ढक रहे अपने चीज को बट यूरोप में बहुत नॉर्मल है.
The so it was always a small ball. Why did they cover it? Maybe because like it's in wet condition and people can't close it. तो भाई बहुत लोग हैं और इनमें से सोफी का कहना है कि आधे लोकल्स है और आधे टूरिस्ट है, पर अगर टूरिस्ट हो तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि दिख गया व्यू। वाओ। But as I told, like locals also counts here. That's what I said. 50% locals, 50% tourists. And usually they come here with wine or any other alcohol. We should have got something. You have it? Really, you probably. Oh. So it's a town hall. It's heavily crowded. Yeah. There's a town hall. Yeah. So basically, the old town is there. My hostel is somewhere there, and. There's a train line, it comes here and it turns around, and the train station is far away, right? It's like from that. Yeah, and your home? Train station. Over there. Wow. But my brother used to live in this that colorful houses after tower. Okay. And from his apartment, you could see view on this tower, town hall, and all city center. You could see from his apartment. Wow. Your brother, where is he now? He lives in Chicago now. तो हम लोग अभी जा रहे नीचे, अभी शहर देखने वाले, और यहाँ से नज़र अच्छा है। सो इन विंटर्स लाइक ऑल कवर्ड विद स्नो, ऑल कवर्ड विद स्नो, नॉट ऑलवेज इन विंटर देयर इज स्नो, आई मीन इट्स एवरी विंटर बट नॉट एवरी डे, सो इवन लाइक मोर देन हाफ ऑफ विंटर कैन बी विदाउट स्नो, बट आई वॉक्ड हियर विद स्नो एंड ही फेल डाउन, नॉट मी बट आई सॉ लाइक अ वुमन हु फेल डाउन एंड वेंट लाइक अंडर. It's it fun. Looks not fun. It looks funny, but it's painful for the woman, I can imagine. So, people live in these houses, right? Like, these are for rent. How much would be a rent? I'm not sure if it's for rent. It depends because there are more old apartments that can have close to 7,000 rupees. 7,000 rupees per month. Yes, but without payments like for heating and so on. 21,000, but with furnitures. Yes, but it can be like more old. So good apartment, it will cost more from 10,000. That's the Opera House. Yeah. So is it interesting? You didn't recognize it? Yeah. No, I didn't go to the. It looks very beautiful inside. You have to buy tickets to go inside. Yeah, like for some play. Oh, for some play, and if it's but not. But it starts like if you buy tickets like in the age and city park, it can cost 150. 150? Yeah, but if you buy tickets like sitting very far. Ah, it's a play, but it's in Ukrainian. But like. Do you have a name for your t-shirt? Yes. It's called Vishavanga. Yes. तो ये जो विशवंगा टी शर्ट है जो हम लोगों ने देखा था इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत जन पहने थे, तो ये बहुत महंगा है एक्चुअली. सबसे सस्ता जो एकदम घटिया क्वालिटी है वो 350 ग्रीवना का, मतलब 1,000 रुपये के ऊपर, और अच्छे वाले जैसे सोफिया के पास है वो 1,000 ग्रीवने का है, मतलब 3,000 रुपये का ये पतला टी शर्ट, तो बहुत महंगा है. इससे तो अपना कुर्ता पजामा ही सही है. बट ये सुविधा मार्केट it's like Ukrainian scarf. No, it's like more for table or some to put on something. Oh, it's not for the neck. No, oh. It's like more for house. Souvenir market. Busted. और ये है opera. Lviv में opera है और tickets बहुत सस्ते हैं. Like 150 for any show. It's the cheapest. Cheapest. It's cheapest and not for any show, it depends. 500 rupees you'll get a ticket. And the most expensive would be like 2,000. I normally go a little bit less. Okay. I think even once. So, it's cheaper. And you can see the shows? Yes, all
टुडे वी तो पीछे ओपेरा का टिकटिंग काउंटर है और टिकट्स बहुत सस्ते हैं। सबसे सस्ता टिकट हम लोग को दिखा 50 ग्रिवने का, मतलब 150 रुपये, और वो पोजीशन ख़राब था। और अच्छा पोजीशन के लिए 100 ग्रिवना, यानी कि 300 रुपये। 300 रुपये में आप ओपेरा का एक्सपीरियंस लोगे यूक्रेन में, ये तो पूरे यूरोप में सबसे सस्ता, आई थिंक इज द चीपेस्ट इन यूरोप। But I thought the idea of opera is like very expensive. I didn't even bother to check the price. But now with you, I check the price. It's 50 grivnas. Like, if it's bad, 100 grivnas is also like, what? I think we went a little bit more with my friends. I mean, but we bought like the cheapest tickets, but there was money available. So we just changed places. So, aap logo pata hai kya karna hai? Just before you go, can we check what's tomorrow? और भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये है द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लिविव एंड यू स्टडीड हियर। वेट, यस आई स्टडीड इन दिस बिल्डिंग। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन योर फैकल्टी वेयर डू यू स्टडी, बिकॉज़ देयर आर मेनी बिल्डिंग्स अराउंड सेंटर, बट माय फैकल्टी वाज इन द मेन बिल्डिंग। कैन वी जस्ट एंटर देयर? Not because it's weekend, but on weekdays I think so, yes. You know, in some countries inside the university canteens, there are some very good cheap foods. Here is not so good. Like, I ate sometimes at university. It's cheaper, much more cheaper than Pozata Hata, but most of the time I went to Pozata Hata. Pozata Hata. So it's Ivan Franko. Who is that guy? A very famous like Ukrainian writer, and this university is named after him. So it's Ivan Franko National University. Okay, that's what is written in the up top. No, it's like something about studying. It's a nice area, like to chill. What is the park called? It's Franco Park. Franco Park. Yes. Or you can also call it like University Park. University Park. And actually, it's like between two universities. You go up, like there will be Polytechnic University. Okay. तो हम लोग आ गए अभी फ्रैंको पार्क में और जा रहे ट्रेन स्टेशन की ओर, बट ज़्यादा दूर नहीं, ट्रेन स्टेशन तक नहीं। जब हम लोग आ रहे थे तब एक कैथेड्रल दिखा था, उसमें देखने जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे सेंटर में। सेंटर में आपको बहुत कुछ दिखाना है। वीडियो तो एंजॉय कर रहे हो ना? मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑटम there is like cage for dogs, so you just let your dog. Oh, okay. Walk there. And you had a dog? No, you had a cat. For 1 year at the university, I lived very close to the center. It was just up from the park, and we had dog, so we walked in this park with dog. तो क्या नाम है इस जगह का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? तो सेंट जॉर्ज चर्च पे आ गए हम लोग और कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ बोल रहे हैं, बट ये तो लग रहा है अपना पंडित जी जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसा लग रहा है पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, बट सही है। Але я не буду говорити всім серцем моїм розповідати.